न्यूनतम 7 महीने के उच्चतम स्तर पर रह सकती है महंगाई दर। लगातार दूसरे महीने आरबीआई के कंफर्ट जोन से ज्यादा रहने की आशंका। कोरोना की दूसरी लहर के असर से जून में बैंकों के पास लोन के आवेदन घटे, बाद लोन में भी बढ़ोतरी। सीबीडीटी ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और रिटर्न डाउन वैल्यू की कैलकुलेशन के नए नियम लिए नोटिफाई। गुडविल नियमों में बदलाव से बढ़ोतरी, कंपनियों की टैक्स देनदारी। एलआईसी ने शुरू की सबसे बड़ी आईपीओ लाने की तैयारी, अपने खाते में बैड लोन हटाने की कवायद शुरू। जल्द निकल सकता है जेपी इंफ्रा की दिवालिया प्रक्रिया का समाधान। आईआरपी ने सुरक्षा ग्रुप का रेजोल्यूशन प्लान एनसीएलटी को सौंपा। जून में आईटी सेक्टर में नई नौकरियों के मौकों में जोरदार इजाफा। जून 2020 से 163% और जून 2019 से 52% बढ़ी भर्ती। 2021 के पहले 6 महीनों में प्राइवेट इक्विटी निवेश 118% बढ़ा, घरेलू कंपनियों को 88,000 करोड़ रुपए मिले। इस महीने 42 नई फ्लाइट्स लॉन्च करेगी स्पाइस जेट, घरेलू और विदेशी रूट्स पर होंगी लॉन्च। ब्रिटिश फर्म फिनविस्ट्रा ने भारत में पहला मल्टी करेंसी अकाउंट लॉन्च किया। डॉलर, पाउंड और यूरो समेत दुनिया की 30 से ज्यादा करेंसीज में हो सकेगा लेन देन। 26 और 27 जुलाई को आएगी अमेजन प्राइम डे सेल। स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर खरीदारों को मिलेगा बम्पर ऑफर।